सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। वक्त की खूबी तो देखिए, ये अपनी अहमियत अक्सर अपने बीतने के बाद महसूस करवाता है। ये निर्भर हम पर करता है कि हम इसे कितना करीब से देखते हैं। तो चलिए इसी वक्त की स्याही से लिखी कुछ नमकीन तो कुछ हिला देने वाली दास्तां, यानी कि आज का रेडियो नाटक 24/7। माही की बच्ची, तू भी कम चालाक नहीं है। लाइक करके दूसरे दिन अनलाइक करने का क्या मतलब है? पॉपकॉर्न की तरह फूल के फट गया होगा बेचारा। अरे वो सब छोड़ो विन्नी मैडम, आप ये बताओ कॉलेज के ऑफलाइन क्लासेस में कब दर्शन दे रही हैं आप? मिस्टर खड़ूस अपने प्रिंसिपल सर, यार अब हर एक एब्सेंट के बदले फाइन लगाने के चक्कर में है। बेब्स, जितनी उसकी सैलरी है ना, उतने पैसे बिन्नी कुमारी रोज उड़ा देती है। उसे कहना ये फाइन की धौंस ना किसी और को दिखाए। उर्मिला, अरे उर्मिला दरवाजा देखो। वैसे खड़ूस की मंथली सैलरी से याद आया, आई नीड अ न्यू फोन या एंड अ न्यू पेयर ऑफ शू एंड मे बी अ न्यू लाइफ। ये वाली अब कोरोना ने बोरिंग कर दी है। उर्मिला, उर्मिला, I just hate her. आज उसकी खैर नहीं। बेस, I gotta go. BRB. उर्मिला, अब who are you? और अंदर कैसे आए तुम? मैं वो हेल्थ फर्स्ट मेडिकल से बालन अंकल ने भेजा। आपने फोन करके ये एनर्जी ड्रिंक और क्रीम मंगवाया था। दरवाजा खुला था तो मैं तो क्या बिना परमिशन के अंदर आ जाओगे? हाउ डेयर यू! क्रीम और ड्रिंक वहाँ टेबल पर रखो और बाहर निकलो। बालन अंकल की शॉप से आए हो वरना ऐसा सबक सिखाती ना तुम्हें। चलो जाओ, गेट आउट। सॉरी मैम, हैव अ गुड डे। हेलो, बोलो बिन्नी बेटा। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। जैसे जैसे वेव का असर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके थोड़े खराब परिणाम आ रहे हैं ना, तो पापा को कहना काम ना हो तब तक बाहर ना निकले। हाँ बेटा, जो भी चीज़ चाहिए बता देना। मेरा मेडिकल शॉप वाला नंबर ना लगे तो मैं छोटू का डायरेक्ट नंबर व्हाट्सएप करता हूँ, उस पर लिखवा देना। नहीं भाई, आप ही के घर भेजा था, उसे आता ही होगा। हाँ ठीक है, जैसे ही छोटू आए। हाँ, आ गया ना छोटू। हाँ, बड़ा पैकेट ना। हाँ, भेजता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। छोटू, अरे इधर आओ। हाँ, जल्दी, अरे इधर आओ जल्दी। हाँ, अरे भाई इतनी देर कौन लगाता है डिलीवरी में? एक नंबर की बिगड़ेल है बिगड़ेल पिन्नी। मैं डोरबेल बजाए बार दूर खड़ा हो जा रहा था पर 15 मिनट तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर देखा तो दरवाजा अटकाया हुआ था। मुझे लगा देर करने से अच्छा है भीतर जाके चीजें दे दूं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो ये लड़की मुझ पे बरस पड़ी, चिल्ला के बोली गेट आउट। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, पर बेटा ये वक्त भी कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ ये सेकेंड वेव की वजह से लोग अपनों को खो रहे हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो डटे हुए हैं लोगों तक मेडिकल का सामान जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचा सके। रही बात बिन्नी की, शायद टेंशन में होगी, थोड़ी गुस्से वाली है, पर दिल की बुरी नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसके पापा, जिसे आज पूरा शहर द ग्रेट बिजनेस आइकॉन रोहित कुमार के नाम से जानता है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमने इस शहर में साथ ही कदम रखा था। वो अपने काम में अव्वल है और हम अपने काम में नेक है, है ना? हमें ग्राहक के लिए 24/7 तैयार रहना है, क्या समझे? हाँ, इसीलिए उनके यहाँ डांट खाने आप मुझे भेजते हो 24/7। फकला, चलो काम पे लगो। है अच्छा, काम से याद आया,
मिस्टर कुमार, मेरा मतलब है बिन्नी को दवाई का ये बड़ा पैकेट दे के आ जा। और सुन, चेहरे से मास्क जरा सा भी हटाया ना तो। हाँ बालन अंकल, हाँ नहीं हटाऊंगा मास्क। माँ मेरे बिना खाना तक नहीं खाती, अपनी और उसकी दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी अब तो मास्क की आदत सी है मुझको 24/7। पागल है लड़का। फोन उठाना ही नहीं है तो फेंक क्यों नहीं देते? एक तो सुबह से गला दर्द कर रहा है और बुखार से सर फटा जा रहा है। ओफो, गुस्सा करने की भी एनर्जी नहीं रही, डर भी लग रहा है। पापा के बाद अब मेरी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, ओ गॉड। बोलिए बोलिए बिन्नी दीदी, आप ही के पापा की दवाई लेके आ रहा था। तुम्हें कुछ पता भी चलता है? अभी मैसेज में मेरा रिपोर्ट आया, यहाँ मुझे कोरोना हो गया है और तुम दवाई लेके अभी तक आए नहीं हो। ऊपर से फोन तक नहीं उठाते, फेंक दो फोन अपना। कस्टमर यहाँ मर रहा है और तुम क्या? आपका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया? अरे आप दीदी आप घबराना मत, कोई भी चीज चाहिए 24/7 फोन कर देना, फौरन कॉल कर देना। तुम फोन उठाओ तब ना। माफ करना, गलती होगी, फोन उठा लूंगा। आप अभी कुछ चाहिए आपको? मैं कुछ लेता हुआ आऊं मेडिकल से। लिखो, एक मेरी वाली परफ्यूम की बोतल, एक एनर्जी ड्रिंक का पैकेट और एक गले की खराश कम करे ऐसा टॉनिक। ये सब लेके फटाफट आओ। और सुनो, रास्ते में ग्रोसरी शॉप आए तो एक नूडल का पैकेट। जी जी बिन्नी दीदी, जी जी, जल्दी। अरे तुझे कुमार के घर दवाई देने भेजा था, तू बिना दिए वापस आ गया। उन्हीं के घर जाना है। बिन्नी दीदी का फोन आया, उनको भी कोरोना हो गया। मैंने कहा आप चिंता मत करो, घर से बाहर मत निकलना, कुछ भी चाहिए फोन कर देना 24/7। कुछ और चीजें लिखवाई है, वापस ले जा रहा हूँ। ये रहा लिस्ट, परफ्यूम की बॉटल, एनर्जी ड्रिंक का पैकेट, गले का टॉनिक। हाँ, रख दिया सब। छोटू, अपना खास ध्यान रखना, केसेस बढ़ रहे हैं बेटा, हमें थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा अपना। डबल मास्क। हाँ हाँ, पहना है बालन अंकल, पहना है, पर हमारा काम भी लोगों की मदद करना है ना, 24/7। ये भी कमाल का लड़का है, 21 का है पर दिखता अब भी छोटू ही है, कुदरत इसको लंबी उम्र दे। बुखार चले जाने के बाद भी कमरे में रहने की जबरदस्ती, ऊपर से कुछ चाहिए तो कभी भी फोन करना 24/7 बोलने वाले फोन तक नहीं उठाते। 4 दिन हो गए, एक बार ये छोटू का बच्चा फोन उठा ले, ऐसी क्लास लगाती हूँ ना उसकी कि 24/7 बोलना भूल जाएगा। इसकी तो एक काम करती हूँ, बालन अंकल को ऑर्डर लिखा देती हूँ। बिन्नी, बोलो, कुछ चाहिए था? हाँ अंकल, वो मेरी एनर्जी ड्रिंक। पर एक मिनट, ये छोटू का बच्चा कहाँ है आजकल? मैंने कितने फोन किए, रिंग ही जा रही है। आपने उसकी छुट्टी कर दी क्या? बिन्नी, वो दरअसल छोटू बेटा, वो छोटू को 2-3 दिन पहले कोरोना हो गया। तेज बुखार था, परसों रात अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, ऑक्सीजन कम और बदतर होता चला गया, और कल सुबह छोटू चल बसा बेटा, हमारे बीच नहीं रहा। बिन्नी बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? मैं भिजवा देता हूँ। नहीं, वो छोटू के घर में कौन कौन है अंकल? माँ है बस। ये
ये कोरोना भी कितना अजीब है। वो अपने बेटे को आखिरी बार जी भर के देख भी नहीं पाई बेचारी। अंकल मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नमस्ते आंटी, आप मुझे नहीं जानती पर शायद मैं भी अभी तक छोटू अनिल को नहीं जानती थी। आपका दर्द मैं तो क्या कोई भी समझ नहीं सकता। कोरोना के टाइम में मैंने किसी अपने को नहीं खोया पर खोया जरूर है छोटू। दिन में 2-3 बार हमारे घर कभी एक चीज तो कभी एक ही घंटे में 3 बार अलग अलग चीजें डिलीवर करने आता था। मैंने शायद कभी सोचा नहीं था कि छोटू के चले जाने के बाद उससे मैं इतना कुछ सीख पाऊंगी। माफ कीजिएगा, एकाध बार मैंने उसे गुस्से में भला बुरा कहा था, गलती मेरी थी और उससे कभी माफी भी ना मांग सकी। बालन अंकल के मेडिकल शॉप पे अब शायद कोई और डिलीवरी बॉय आ जाएगा, पर छोटू की जगह शायद कभी कोई नहीं ले पाएगा। कोरोना के इस समय में मैं आपके पास तो नहीं पर साथ जरूर हूं। इस लेटर और इस कवर के साथ अपनी सेविंग से 1,00,000 का चेक और मेरा फोन नंबर आपके लिए रख रही हूं। जैसे छोटू हमेशा कहता था, आप हौसला रखना और किसी भी चीज या मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। 24/7 बिन्नी। अरे बिन्नी बेटा, तुम कब आई? कुछ चाहिए था क्या? नहीं अंकल, मैं चलती हूँ। अरे बिन्नी, तुम्हारा कवर। अरे ये छोटू के लिए। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक 24/7। आप इस नाटक को रेडियो सिटी ऐप या रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। परिचय: साउंड इंजीनियर मनीष मिस्त्री, नरेशन निशांत गढ़वी, वॉइस एक्टर्स माही टशनबाज बिल्लो, बालन अंकल रजत मेघनानी, बिन्नी आरजे राधिका, छोटू निशांत गढ़वी, कहानी डायलॉग और निर्देशन निशांत गढ़वी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।